बिहार में रातों रात हुए सत्ता परिवर्तन से जहां बीजेपी के विजय रथ को रोकने वाला महागठबंधन टूट गया, वहीं एक झटके में लालू के बेटों की कुर्सी भी चली गई। नीतीश के इस दांव से जेडीयू के ही कुछ नेता राजनीतिक दुविधा में उलझ गए हैं। शरद यादव ने तो खुलकर यह तक कह दिया कि वो खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। जब पार्टी के वरिष्ठ नेता ही बगावती तेवर दिखाएंगे तो भला लालू उन्हें अपने पाले में आने का न्योता देने से कैसे चूक सकते हैं। महागठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने से खफा शरद यादव को लालू प्रसाद ने यूपीए में शामिल होने का न्योता भेजा है। लालू ने शरद को खुला ऑफर देते हुए कहा, आइए दोनों भाई मिलकर सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ नई लड़ाई की शुरुआत करें। शरद यादव को न्योता देने से पहले भी लालू कई बार कह चुके हैं कि शरद उनके साथ हैं और वो सीएम का साथ नहीं देना चाहते। लालू यादव के दावों के अलावा ये भी कहा जा रहा है, सियासी दुविधा के बीच अपनी राजनीतिक राह को लेकर शरद विपक्षी दलों के नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। शरद यादव ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी से लंबी बात की। विपक्षी खेमे में सूत्रों का कहना है कि आजाद और येचुरी से हुई बातचीत में शरद ने महागठबंधन के अचानक तोड़ने और भाजपा से हाथ मिलाने के नीतीश के फैसले से असहमति जताई। हालांकि अपनी राजनीतिक मजबूरियों की वजह से शरद फिलहाल नीतीश के पाला बदलने के फैसले पर सीधे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जदयू के अंदर एक धड़ा मुख्यमंत्री के बीजेपी से हाथ मिलाने के फैसले से असहमत है और शरद यादव के साथ है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।